नमस्कार, और फिर एक बार स्वागत है आपका राग परिचय में। दिवाली के एक बड़े अंतराल के बाद फिर से शुरू करते हैं। इस बार राग चंद्र कंस को लेकर शुरू करते हैं। चंद्र कंस कंस फैमिली का राग है। कंस फैमिली का मुख्य राग है माल कंस। तो हम माल कंस का रेफरेंस लेकर के चंद्र कंस क्या होता है उसकी खोज करेंगे। मालकंस बहुत ही पॉपुलर राग है, बहुत ही लोकप्रिय राग है और हिंदी फिल्म संगीत में बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। चंद्रकंस एक थोड़े से बदलाव से मालकंस से मिलता है, लेकिन अगर आप चंद्रकंस में फिल्मी गाने ढूंढने जाओ तो ज़्यादा नहीं मिलते। देखते हैं क्या कारण हो सकता है इसका। मालकंस मध्यम प्रधान राग है, पंचम नहीं है तो तानपुरे में मध्यम लगा हुआ है। यह है मालकंस। गंधार, धैवत, निषाद सारे कोमल लग रहे हैं। इस रचना से मालकंस में होता यह है कि आप कोई भी स्वर संगति ले लो, वो एक दूसरे के साथ में षड्ज मध्यम या षड्ज पंचम भाव रखते हैं। षड्ज के साथ मध्यम जुड़ा हुआ है, निषाद के साथ गंधार है और निषाद के साथ मध्यम भी है। गंधार के साथ धैवत षड्ज मध्यम भाव रखता है, गंधार के साथ निषाद फिर षड्ज पंचम। इस प्रकार से स्वरों में जो संवाद है वो खचाखच भरा हुआ है मालकंस में। आप कोई भी फ्रेज बना लो वो सुंदर ही लगती है, और यही एक कारण है कि मालकंस बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है हिंदी गाने बनाने में, फिल्मी गाने बनाने में। चंद्रकंस में क्या हो रहा है? ये हिस्सा जो है वो वही है, सा ग म म ग सा, ये हिस्सा वही है, लेकिन निषाद जो है वो कोमल के बजाय शुद्ध निषाद का प्रयोग। दैवत वही है, निषाद को कोमल से शुद्ध करने से जो पूरा संवाद सप्तक के इस भाग में भरा हुआ था वो निकल जाता है। शुद्ध निषाद किसी और स्वर के साथ में संवाद नहीं करता है। विसंवाद रखता है ये। तो ये निषाद जो है
बाकी सब वही है, केवल निषाद जो है कोमल की जगह पे शुद्ध कर दिया है और बन जाता है राग चंद्रक पंस। लेकिन संवाद की शक्यताएं कम होने की वजह से चंद्रक पंस राग छोटा बन जाएगा मालकोंस के कंपैरिजन में। जितने बड़े ख्याल मालकोंस में गाए जा सकते हैं उतने बड़े ख्याल चंद्रकोंस में नहीं होंगे, छोटी बंदिशें पेश की जाएगी। वाद्य संगीत ने ज्यादा प्रीफर किया हुआ है इस राग को। देखते हैं चंद्रकोंस पूरे सप्तक में कैसे जा रहा है। एक बंदिश सुनते हैं चंद्रकोंस में। Thank you.
गजल में फिर से थोड़ा सा अधूरा सा राग चंद्र कौंस। राग परिचय का सफर जारी रखेंगे, अगले हफ्ते देखते हैं और एक ऐसा ही राग, राग मधु कौंस।